जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान गए हुए हैं, जहां वे सम्मेलन के बाद रविवार शाम को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां कुछ अलग ही चौंकाने वाली तस्वीर देखने को मिली। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी हवाई अड्डे पर पहुंचे तो वहां के पीएम जेम्स मरेप ने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया। इतने ही नहीं, भारत के पीएम को एयरपोर्ट पर ही गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। और पीएम मोदी का ये स्वागत इसलिए भी खास है क्योंकि उस देश में नियम है कि वहाँ पर सूर्यास्त के बाद आने वाले किसी भी नेता का औपचारिक स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुँचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी वो पहले शख्स हैं जिनके लिए इस देश ने अपनी बेहद पुरानी परंपरा को तोड़ा है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कौन है जेम्स मरेप, जिन्होंने भारतीय पीएम के स्वागत के लिए अपनी इतनी महत्वपूर्ण परंपरा तोड़ दी। बता दें कि पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरेप का जन्म सन 1971 में हेला प्रांत के टारी में हुआ था। उन्होंने पीएनजी हाइलैंड्स में मिंच प्राइमरी स्कूल और कभी उफा एवेंटिस्ट सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। इसके बाद सन 1993 में पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय से कला में स्नातक किया। इतना ही नहीं, जेम्स मरेप ने साल 2000 में पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर ऑनर्स में डिग्री ली। पढ़ाई को लेकर वे शुरू से ही गंभीर थे। उन्होंने इसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया। वहीं पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। साल 1994 से 1995 तक वे पीएनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च टारी शाखा में प्रभारी अधिकारी थे। 1996 से 1998 तक उन्होंने हिट्स गैस परियोजना में जीडीसी संचालन प्रबंधक के रूप में काम किया और साल 2001 से 2006 तक वे कार्मिक प्रबंधन विभाग के नीति सहायक सचिव बने। इसके साथ ही वे अंतर सरकारी संबंधों पर भी समिति का हिस्सा भी बने रहे। वहीं मरेप ने पहली बार पीपल्स प्रोग्रेस पार्टी के लिए 2002 में चुनाव में टारी पोरी सीट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में व्यापक हिंसा के कारण दक्षिणी हाइलैंड्स प्रांत में मतदान रद्द कर दिया गया था। उन्होंने 2019 में पीपल्स नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फिर पंगू पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद जेम्स मरेप मई 2019 में पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री बने और तभी से वे इसी पद पर कार्यरत है। वे अपने द्वीप राष्ट्र के 8वें प्रधानमंत्री है और अतीत में सरकार में कई महत्वपूर्ण कैबिनेट पदों पर रहे हैं। और अब 52 वर्षीय मरेप ने पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए अपनी परंपरा तोड़ी है। उन्होंने दुनिया के किसी अन्य नेता के लिए ऐसा नहीं किया है, जो कि हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है। उनका ये सम्मान न केवल पीएम नरेंद्र मोदी का सम्मान दर्शाता है, बल्कि हमारे पूरे देश के लिए ये सम्मान की बात है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।